हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग सुपर डुपर अमेजिंग। गाइस, आज मैं आप लोगों को यहां पर डिमांड का रिवीजन करवाने वाला हूं। डिमांड का माइंड मैपिंग आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली गोइंग टू बी वेरी वेरी अमेजिंग, ठीक है। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से हमको इसको कवर अप करना है। कैसे मैं यहां पर समराइज करवाने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे मैं यहां पर इसका माइंड मैपिंग कर रहा हूं, यू नीड टू पे अटेंशन फॉर ऑल द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेस सेशन। नाउ व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यार जैसे जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते जाते हैं, हम लोग पुरानी चीजें भूलने लग जाते हैं, एंड आई डोंट वॉन्ट टू हैपन दिस विथ यू गाइज, एंड देयरफॉर आई एम हियर टू एक्चुअली टेक सच टाइप ऑफ सेशंस वेर इन जब भी तुम्हें कोई ऐसे लगता है कि यार आज कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो ऐसे टाइप के सेशन को तुम लोगों को देख लेना चाहिए। रिवीजन भी हो जाता है और कुछ टेक्निक्स भी पता चलती है, राइट। सो फटाफट से शुरुआत करते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बेटा यहां पर मैं एक्स्ट्रा वक्त निकालकर आप लोगों के लिए ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्चुअली वॉच इट वेरी पेशेंटली और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। सो प्लीज 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 आप लोग आपकी बुक्स, आप लोग आपका ध्यान पूरा की पूरा इस पर्टिकुलर चैप्टर पर रखना है अभी के अभी, ठीक है। सो लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि गाइज, हम लोगों ने एक सेशन लिया था निशांत सर और मैंने पॉडकास्ट का, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लगा है स्टूडेंट्स को। बहुत ज्यादा मैसेजेस भी फ्लो इन हो रहे थे दैट की स्टूडेंट सर वी एक्चुअली लव द सेशन अ लॉट। ऐसे टाइप के सेशंस और भी लेकर आते रहिएगा। सो डेफिनेटली गाइस, वी आर गोइंग टू ब्रिंग सच मोर अमेजिंग सेशंस। बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं ऐसे टाइप के सेशंस, जो कि हम लोगों को हमारी रेगुलर जिंदगी में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। And if you haven't watched it, you should definitely go and watch it. This has not been restricted to particular foundation students or inter students or final student. This is absolutely, I would say that it is applicable to each and every student out there, not only student but any of the professionals out there as well. Because time management is such a thing, chunki har ek insaan apni zindagi mein कोशिश करता है टाइम मैनेज करने की। सो गाइज, डू वॉच दिस सेशन, कुछ अमेजिंग टेक्निक्स बताइए यहाँ पर। सो यस, यू कैन गो एंड वॉच इट आउट देयर। एक और चीज मैं शुरुआत में आपको बताना चाहता हूँ अबाउट द अनअकैडमी। गाइज, इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन द अनअकैडमी, सो ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो ऑन द अनअकैडमी वेबसाइट, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर वेबसाइट पर जाओगे तो तुम्हें यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के सारे डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। वट इज हैपनिंग, ये क्या क्यों ओपन नहीं हो रहा है, I just don't know why, ठीक है। Guys, give me a minute, we'll come back here, ठीक है। पता नहीं ये क्यों ओपन नहीं हो रहा है, बट हाँ मुझे एक मिनट दीजिएगा, हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पर। लेट मी जस्ट चेक टिल दैट कि ये वॉट इज द प्रॉब्लम, आई विल फिक्स इट, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, आई विल फिक्स इट। मैं बहुत टेक्निकली साउंड हो चुका हूँ अभी, ठीक है। सो डेफिनेटली आई विल फिक्स दैट प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, हम लोग तुम्हें इसके बारे में बताएगा यार, ये हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ये मुझे पता है, ठीक है। एक सेकंड में देख लेता हूं कि नेटवर्क तो हमारा सब सही है, इट इज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऑल वेल। नो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम कुछ समय में फिर से यहां पर लौट कर आएंगे, ठीक है। कुछ समय में फिर से यहां पर लौट कर आएंगे बेटा, एंड तब तक के लिए मैं यहाँ पर लेकर चलता हूं आप लोगों को डिमांड के माइंड मैप में, कुछ समय बाद बता देंगे। सो गाइज एंड गर्ल्स, वी हैव सीन अबाउट द डिमांड, लेट मी जस्ट सम इट अप इन सच अ वे दैट इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, राइट। तो मैं यहां पर सबसे पहले इन दिस कॉर्नर आई एम राइटिंग ओवर हियर मीनिंग ऑफ द डिमांड, ठीक है। देन आई एम राइटिंग ओवर हियर डिटर्मिनेंट्स of demand, ठीक है। Then I am writing over here determinants के बाद exception of demand। So हम लोग यहां पर इस meaning को थोड़ा सा sum up करने की कोशिश करेंगे यहां पर, ठीक है। Yes। So meaning में हम लोगों ने देखा था demand का मतलब क्या होता है। Demand का मतलब होता है desire, and this desire should be backed by the purchasing capacity, and which should be backed by the willingness to spend।
तो मैं यहां पर क्या करता हूं, डिजायर कैपेसिटी एंड विलिंगनेस। तो अगर ये सारी चीजों को मैं कंबाइन कर देता हूं तो दिस बिकम्स माय मीनिंग ऑफ द डिमांड। द डिजायर शुड बी देयर फॉर द गुड्स टू बी परचेस्ड, देयर शुड बी कैपेसिटी टू पे फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड आफ्टर कैपेसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव willingness to spend for that particular goods out there, right? Determinants में हम लोगों ने क्या देखा था, determinants में there are all the other factors which are affecting the demand, लेकिन determinants पर जाने से पहले मुझे law देखना है, लेकिन मैंने determinants के लिए यहां पर जगह छोड़ी है क्योंकि law में मुझे law of demand लिखना है, वहां पर schedule लिखना है और वहां पर graph बनाना है, इसलिए मैंने यहां पर नहीं लिखा। हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे draw करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको यहां पर ड्रॉ करेंगे। सो अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है सबसे पहले अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, क्या कहता है, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, ठीक है। So, बाकी सारी चीजों को मैंने कांस्टेंट बना दिया, बट व्हेन माय प्राइस इंक्रीजेस माय क्वांटिटी ओवर हियर फॉल्स, एंड व्हेन माय प्राइस ओवर हियर डिक्रीजेस माय क्वांटिटी ओवर हियर इंक्रीजेस। सो This is very important, और आप लोगों को बस ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं क्योंकि ये मुझे काम आने वाले हैं एट द एंड मोमेंट आउट देयर, ठीक है। तो मुझे यार एग्जाम से पहले शॉर्ट में सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिक्रीजेस, द प्राइस डिक्रीजेस द क्वांटिटी इंक्रीजेस, सो दिस इज वाइस वर्सा, राइट। यहां पर मैं क्या करूंगा, लॉ ऑफ डिमांड का मैं यहां पर निकालूंगा स्केड्यूल, ठीक है। स्केड्यूल में हम लोग यहां पर निकालेंगे क्वांटिटी और हम लोग यहां पर लेंगे प्राइस, ठीक है। सो यहां पर अगर मैं क्वांटिटी और प्राइस यहां पर ले रहा हूं तो हम लोग यहां पर समझ रहे हैं क्या, देखना यहां पर बहुत अच्छे से। माई क्वांटिटी वॉज 50, माई क्वांटिटी बिकम्स 40, माई क्वांटिटी बिकम्स 30, माई क्वांटिटी बिकम्स 20 एंड माई क्वांटिटी बिकम्स 10। My price over here was 1, my price becomes 2, my price is 3, my price is 4, my price is 5. So I can understand from this particular schedule over here, as my price goes on increasing, my quantity decreases over here, yes. So मुझे law of demand पता चल गया है, हाँ, मुझे schedule पता चल गया है, हाँ, मैं अभी यहाँ पर क्या करूँगा, मैं अभी यहाँ पर law of demand का graph draw करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जब ये लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो मुझे यहां पर ये पता चलता है, क्या पता चलता है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, यस इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। व्हेन माय प्राइस ओवर हियर इज डिक्रीजिंग माय क्वांटिटी ओवर हियर इज इंक्रीजिंग, यस। सो मेरा पहले प्राइस P था, अब ये P1 हो गया, तो मेरा क्वांटिटी जो Q था वो Q1 हो गया, जस्ट बिकॉज एज द प्राइस डिक्रीजेस माय क्वांटिटी इंक्रीजेस। सो आई विल राइट ओवर हियर व्हाट, आई विल राइट ओवर हियर नेगेटिव स्लोप, यस, और मैं यहां पर क्या लिखूंगा, नेगेटिव स्लोप मैंने लिख दिया है, यस yes. नेगेटिव स्लोप के बाद मैं यहां पर लिखना चाहता हूं, बोलिए गवां गाइस, डाउनवर्ड स्लोप, और मैं यहां पर लिखना चाहता हूं कौन से टाइप का रिलेशनशिप है, यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है।
सो यहां पर नेगेटिव स्लोप, डाउनवर्ड स्लोप एंड इनवर्स रिलेशनशिप. सो यहां पर हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड देख लिया, यहां पर हम लोगों ने उसका स्केड्यूल देख लिया, यहां पर हम लोगों ने इसका ग्राफ देख लिया. जी हाँ बेटा, हम लोग यहां पर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे. इट इज नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि मुझे डिटेल में ही पढ़ना होता है. मैं एक समरी बना रहा हूं तो समरी में सिर्फ पॉइंटर्स ही होते हैं. सो लॉ ऑफ डिमांड के मेरे पास पॉइंटर आ गया, यस. शेड्यूल मेरे पास ग्राफ नंबर्स आ गए, यस. यहां पर मुझे नेगेटिव स्लोप एमसीक्यू साबित हो सकता है, डाउनवर्ड स्लोप एमसीक्यू साबित हो सकता है, इनवर्स रिलेशनशिप एमसीक्यू साबित हो सकता है. जी हाँ, मुझे यहां पर ग्राफ भी पता चल गया कैसे होता है. जी हाँ, सो यहां पर ये सारी चीजों को मैंने यहां पर क्या कर दिया, समराइज कर दिया. जी हाँ, मीनिंग को मैंने समराइज कर दिया था, एब्सोल्युटली मीनिंग को भी मैंने समराइज कर दिया था. मुझे अभी लिखना है डिटरमिनेंट्स के बारे में. तो बेटा डिटरमिनेंट्स में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी, मतलब मैं यहां पर कुछ ही चीजें लिखूंगा, तुम लोग बाकी चीजों को इलाबोरेट कर लिख सकते हो. मैं यहां पर जितना यहां पर होगा मैं उतना लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है. डिटरमिनेंट्स में हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब ऐसे अदर सारे फैक्टर्स जिसकी वजह से मेरा डिमांड चेंज हो सकता है. सो डिटरमिनेंट्स में आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर, क्या लिखूंगा सबसे पहले बोलो मुझे, रिलेटेड गुड्स. जी हाँ, रिलेटेड गुड्स के वजह से मेरी डिमांड चेंज हो सकती है. हम लोगों ने कौन सा एग्जांपल देखा था, कोका कोला एंड पेप्सी, टी एंड कॉफी, राइट. सो रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स, यस. तो प्राइस के अलावा, प्राइस के अलावा इनकम ज्यादा हो गई, डिमांड ज्यादा हो सकती है, इनकम कम हो गई, डिमांड कम हो सकता है. जी हां, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. तो यहां पर हम बताते हैं कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के कारण क्या तुम्हारी डिमांड चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, राइट, बिल्कुल हो सकती है. तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में तीन चीजें देखी थी, कौन सी, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट. डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट एंड वेबलन इफेक्ट, राइट. यहां पर मुझे बताना, अगर यहां पर तुम लोगों का कंज्यूमर क्रेडिट भी अफेक्ट कर सकता है, बिल्कुल, कंज्यूमर क्रेडिट अगर इंक्रीज हो जाता है तो भी तुम्हारी डिमांड ज्यादा हो जाएगी. कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटीज अगर इंक्रीज हो जाती है, मतलब अगर क्रेडिट ज्यादा इंटरेस्ट पर मिल रहा है तो तुम्हारा डिमांड कम हो जाएगा. कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है तो तुम्हारा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा. इतना ही नहीं, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, क्या एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी तुम्हारी डिमांड को चेंज कर सकता है, बिल्कुल, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी तुम्हारी डिमांड को चेंज कर सकता है. पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या मेरी डिमांड यहां पर चेंज हो सकती है, जी हां. सो मैं यहां पर पॉपुलेशन भी लिखता हूं, ऑफकोर्स. सो गाइज, अच्छे से समझने की कोशिश करना, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन डिमांड, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट डिक्रीज इन डिमांड, आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन द डिमांड या फिर डिक्रीज इन द डिमांड, बट ड्यू टू अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस. तो आप लोगों को यह समझना है कि मीनिंग ऑफ द डिमांड मैंने कर लिया है, ठीक है गाइज. मैं तुम्हें यहां पर मेमोराइज करने का सिखा रहा हूं, ठीक है. ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली है, इसका रिवीजन कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने किया था. आई जस्ट वॉन्ट यू टू मेमोराइज द थिंग्स. सो वेन एवर आई एम बीइंग हैविंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर डिमांड, आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड. हम लोगों ने क्या देखा था, मीनिंग ऑफ डिमांड देखा था, डिजायर था, डिजायर देन कैपेसिटी एंड विलिंगनेस टू स्पेंड. लॉ ऑफ डिमांड, यस, लॉ ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस ऊपर जाती है डिमांड नीचे जाएगा, प्राइस नीचे जाएंगे डिमांड ऊपर जाएगा. यस, अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट, तो अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट को अभी अदर थिंग्स क्या है, डिटरमिनेंट्स होते हैं. तो डिटरमिनेंट्स हम लोग क्या देखें, रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकती है, तुम्हारा पॉपुलेशन हो सकता है, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा होगी, पॉपुलेशन कम है तो डिमांड कम होगी. यहां पर तुम लोग क्या देखोगे उसके बाद में, तुम लोग यहां पर ये भी देखने वाले हो, व्हाट, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यस, एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर, यस, पॉपुलेशन, यस. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज,
वी आर टॉकिंग अबाउट अदर थिंग्स विच इज अफेक्टिंग माई डिमांड. ठीक है, अब मैं जा रहा हूं आगे एक्सेप्शन के पास. तो एक्सेप्शन में क्या क्या है, एक्सेप्शन का एक बहुत अच्छा, सबसे पहले मैं यहां पर स्केड्यूल ड्रॉ करना चाहूंगा. क्या स्केड्यूल? ठीक है, सो प्लीज 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 अच्छे से देखना यहां पर क्या है. व्हाट इज दिस? क्वांटिटी. यहां पर क्या है? प्राइस. प्राइस 1, क्वांटिटी 10. प्राइस 2, क्वांटिटी 20. प्राइस 3, क्वांटिटी 30. प्राइस 4, क्वांटिटी 40. प्राइस 5, क्वांटिटी 50. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर इज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड इन द एक्सेप्शन. यस. सो गाइज, हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच से यहां पर ये शेड्यूल भी तुम्हें याद आ जाएगा, तो यू वुड बी नोइंग दैट कि एक्सेप्शन क्या बोल रहा है. एक्सेप्शन डिमांड के विपरीत जा रहा है, एक्सेप्शन डिमांड के अगेंस्ट में बोल रहा है. लेकिन उसको देखने के लिए हम लोग फटाफट से क्या करेंगे, छोटू सा एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसके बाजू में, जहां पर ये हमको पूरा डिटेल में बताएगा. क्या ये हमको बताएगा कि ये जो है ये कुछ इस तरीके से है, ये जो है ये कुछ इस तरीके से है. ठीक है, यहां पर ये प्राइस, यहां पर ये प्राइस P1, यहां पर ये क्वांटिटी, यहां पर क्वांटिटी Q1, ये है मेरा डिमांड. सो प्राइस इज इंक्रीजिंग, योर क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवर हियर. यस, एज योर प्राइस इज इंक्रीजिंग, योर क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ओवर हियर. सो आर यू गेटिंग इट गाइज? तो एक्सेप्शन में मैंने यहां पर कॉन्सेप्चुअली शेड्यूल देखकर, ग्राफ देखकर सब कुछ एकदम सही से समझ लिया. लेकिन यार कुछ पॉइंट्स भी तो लिखने हैं मुझे. हाँ बिल्कुल लिखेंगे. यहां पर उसी के बाजू में हम लोग थोड़े से पॉइंट्स लिख लेंगे एक्सेप्शन के. ठीक है, तो एक्सेप्शन के क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे कि एक पॉइंट था इग्नोरेंस वाला. तो इग्नोरेंस में क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता है कि कितना प्राइस है, तो वो ज्यादा प्राइस पर भी ज्यादा क्वांटिटी दे रहा है. ज्यादा प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी ले लिया उसने, परचेस कर लिया, प्राइस ज्यादा है, क्वांटिटी भी ज्यादा. सबसे फेवरेट जो होता है गिफन गुड्स के बारे में, गिफन गुड्स. और ये गिफन गुड्स का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? सर रॉबर्ट गिफन्स. तो क्या मैं उसके बारे में भी लिख दूं यहां पर? यस, लिख देते हैं. चलो दूसरे पेन से लिख दे यहां पर, सर रॉबर्ट गिफन्स. तो उन्होंने यहां पर कौन से इसके बारे में ज्यादा बोला था, उन्होंने यहां पर कौन से इसके बारे में बोला था? दे हैव सेड अबाउट द परचेसिंग पावर. दे वर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इंफीरियर गुड्स, सो दे वर टॉकिंग अबाउट द परचेसिंग पावर देयर. दे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ मीट एंड ब्रेड. मीट का यहां पर प्राइस इंक्रीज हो गया है, मीट नाउ आई एम नॉट एबल टू बाय, एंड नाउ व्हाट इज लेफ्ट विथ मी इज द ओनली द ब्रेड. मैं मेरे इनकम में सिर्फ ब्रेड ही परचेस कर सकता हूं, लेकिन पता चल गया कि ब्रेड का भाव भी इंक्रीज हो गया है, तो मैं फिर भी ब्रेड इंक्रीज कर रहा हूं. हाँ मैं ब्रेड को ज्यादा परचेस कर रहा हूं, हाँ, क्योंकि खाने के लिए दूसरा कुछ अवेलेबल ही नहीं है जो मैं अफोर्ड कर पाऊंगा, तो इवन एट द मोर प्राइस आई एम ट्राइंग टू परचेस इट मोर. राइट? यस. हमने यहां पर एक और पॉइंट देखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट. तो डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि तुम ज्यादा भाव पर भी ज्यादा परचेस कर रहे हो, जस्ट बिकॉज मेरा फ्रेंड वो चीज ले रहा है, मुझे भी वो चीज लेनी है, क्योंकि यार सब लोग वो ले रहे हैं, पूरी दुनिया उस चीज के पीछे भाग रही है, तुम भी उसके पीछे भाग रहे हो. व्हाई? बिकॉज ऑफ द डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट, दैट इज अगेन प्राइस ज्यादा है फिर भी मेरे को चाहिए. एग्जाम्पल ऑफ द फाउंटेन पेन. राइट? यस. वेबलन गुड्स, वेबलन इफेक्ट. वेबलन इफेक्ट क्या है? बहुत ज्यादा यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा यहां पर प्राइस बहुत हाई है, लेकिन फिर भी दिस पीपल डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दी
दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द प्राइस. दे उनको एक्चुअल में कोई फर्क नहीं पड़ता. हम लोगों ने अंशुल सर का एग्जाम्पल देखा था, ज्यादा प्राइस पर भी वो ज्यादा यहाँ पर परचेस कर रहे थे. राइट, ज्यादा प्राइस पर भी ज्यादा परचेस कर रहे थे. सो यार उनको कौन फर्क नहीं पड़ रहा है. यस राइट एवरी वन. जैसे कि यहां पर हम लोगों ने और क्या क्या पॉइंट देखे थे, बैंडवैगन इफेक्ट, वही डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट है, ठीक है. इग्नोरेंस, गिवन गुड्स, यस. यहां पर इनकम भी हो सकता है, बिल्कुल. इनकम अगर इंक्रीज होता है तो तुम्हारा यहां पर खर्चा भी इंक्रीज हो रहा है, डिमांड भी इंक्रीज हो रही है. सो गाइज दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स दैट आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज. लेकिन देखो अभी मैंने यहां पर कितनी सारी चीजें लिखी है. मैं यहां पर देखो इसको ऐसे कर दिया, ठीक है. देखो यार तुम्हारे सामने कितने जबरदस्त तरीके से यहां पर तुम्हारी ये चीजें यहां पर माइंड मैप हो रही है. मीनिंग आ गया, डिटरमिनेंट्स आ गए, एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन के शेड्यूल्स आ गए, एक्सेप्शन का ग्राफ आ गया, एक्सेप्शन के पॉइंट आ गए, लॉ ऑफ डिमांड, उसका शेड्यूल, उसका ग्राफ, एवरीथिंग ऑन द वन पेज. आगे बढ़ रहे हैं और भी बहुत अच्छे से. देखना कितना कुछ करने वाले गए हम लोग, ठीक है. ठीक है, बहुत कुछ करने वाले, देखो बहुत मजा आने वाला है. आगे बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर बदलाव की तरफ. किसकी तरफ? बदलाव, दैट इज चेंज, ठीक है. तो मैं यहां पर लिखता हूं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और मैं यहां पर लिखता हूं चेंज इन डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो होता है वो प्राइस के वजह से होता है. चेंज इन डिमांड जो होता है अदर फैक्टर्स की वजह से होता है. जब ये प्राइस के कारण हो रहा है तो यहां पर एक्सपेंशन इन डिमांड हो सकता है. और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड हो सकता है, ठीक है. लेकिन यहां पर एक कैच है. अगर ये एक्सपेंशन इन डिमांड हो रहा है तो यहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट है. क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. क्या? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व. और अगर ये कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, हर एक पॉइंट जो मैं लिख रहा हूं दैट कैन कम फॉर द एमसीक्यू, इसीलिए मैं इसको ग्राफिकल फॉर्म में लिख रहा हूं. माइंड मैपिंग करने के लिए पैराग्राफ से पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो दिमाग में हमारे याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैं आपको यहां पर एक टैबुलर फॉर्म में लिख कर दे रहा हूं. रिपीटेटिव रिविजन्स के कारण आप लोग को एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली, बिकॉज वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. So what about women's? It makes everyone perfect. Yeah, come on. ठीक है? Yes. So यहां पर देखना contraction in demand upward movement along the demand curve. Upward movement along the demand curve. अगर मैं अदर फैक्टर्स की बात कर रहा हूं यहां पर, तो मैं बात कर रहा हूं फिर से दो चीजों के बारे में. एक होगा यहां पर इंक्रीज इन डिमांड के बारे में, और दूसरा होगा यहां पर डिक्रीज इन डिमांड के बारे में, ठीक छे. तो जब मैं बात कर रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड के बारे में, तो हम यहां पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? हम यहां पर बात कर रहे हैं राइट वर्ड शिफ्ट के बारे में.
किसके बारे में? राइट टू वर्ड शिफ्ट के बारे में। और अगर हम यहां पर बात कर रहे हैं डिक्रीज इन डिमांड के बारे में, हम यहां पर बात कर रहे हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट के बारे में। ठीक है, एक ही मिनट देना बच्चा पार्टी। यस गाइस, सो हम कहां पर थे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन डिमांड। ठीक है, तो राइट टू वर्ड शिफ्ट एंड लेफ्ट वर्ड शिफ्ट पर हम आ चुके हैं। ठीक है, और यहां पर हम बताना चाहते हैं बेटा आपको एमसीक्यू किस तरीके से आ सकते हैं। ये देखना, यहां पर अगर मैं बता रहा हूं यहां पर ये प्राइस के कारण है, तो फिर वो क्या है? क्वांटिटी डिमांडेड। अदर फैक्टर्स के कारण है, तो फिर वो क्या है? ठीक है, अगर एक्सपेंशन इन डिमांड है तो डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो एक्सपेंशन इन डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट है तो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड मतलब अपवर्ड मूवमेंट। इंक्रीज इन डिमांड है तो राइट वर्ड शिफ्ट, और राइट वर्ड शिफ्ट है तो इंक्रीज इन डिमांड, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है तो डिक्रीज इन डिमांड। एंड अगर यहां पर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट है तो डिक्रीज है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। सो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं बेटा, लेकिन इतना ही नहीं, हम लोग यहां पर और आगे बढ़ेंगे और इसके चार ग्राफ देखने वाले हैं अभी के अभी। तो मैं यहां पर आता हूं और मैं यहां पर चार ग्राफ को ड्रॉ करूंगा एक ही जगह पर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग समझने की कोशिश करना, ये क्या हो गया? Someone has hacked it. Oh my God, what is happening? Just a second. What is happening, guys? ये क्या हो रहा है? I'm shocked. हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है. Yes. So now I'm going to draw a graph. और मैं आपको ये जो भी मैंने ऊपर लिखा है उसको समझा दूंगा. बहुत ही आसान है ये. This is absolutely very simple. ठीक है, तो यहां पर देखना अभी व्हाट इज हैपनिंग. डिमांड कर्व क्या यहां पर चेंज हो रहा है? नो. ये चेंज किसके कारण हो रहा है? दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द प्राइस. ठीक है, और यहां पर क्या हो गया है? प्राइस यहां पर इंक्रीज हो गया है. यस, तो ये जो था P और ये है P1 और ये है Q और ये है Q1. So what is happening? There is a movement along the demand curve. ठीक है, यहां पर अब देखना what is happening over here. ये demand curve ही shift हो गया. कहां पर शिफ्ट हुआ? राइट में. और यहां पर देखना व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया. कहां पर शिफ्ट हुआ? लेफ्ट में. ठीक है, सो यहां पर देखो, ये था मेरा डिमांड, ये था मेरा नया डिमांड, ये था मेरा डिमांड, ये था मेरा नया डिमांड. Price over here was constant. My demand increases from Q to Q1. My demand decreases from Q to Q1. So, यहां पर what is happening over here is rightward shift. यहां पर क्या हो रहा है? Leftward shift. ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? Downward movement. और यहां पर क्या हो रहा है? There is upward movement over here. So, what I am going to tell you
वॉट आई एम गोइंग टू टेल यू, ध्यान से समझना बच्चा पार्टी, ये जो है ये क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट। ये जो है यहां पर क्या है? अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, ये जो यहां पर है ये क्या है? राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, ये जो यहां पर ये क्या है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, यहां पर मैं क्या लिखूंगा? एक्सपेंशन। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? इंक्रीज इन डिमांड। एंड व्हाट आई विल राइट ओवर हियर? डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, सो अगेन लेट्स सी द मैजिक एंड हियर इट इज। ठीक है, हियर इट इज गाइस, देखना यार व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज। एवरीथिंग ऑन द सिंगल पेज एंड माइंड मैपिंग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? माइंड मैपिंग कहते हैं। आई जस्ट होप दैट आप लोगों को ये बहुत ही बेटर तरीके से वन पेजर इंफॉर्मेशन जब मिलती है वी कैन एक्चुअली क्रैक एनी ऑफ द एमसीक्यूज ओवर हियर। एंड ये देखो ना यहां पर यार कितना जबरदस्त तरीके से यहां पर ये हो रहा है। ठीक है, सो गाइस देखो यार ये मैं आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये बिल्कुल भी यहां पर लाइव नहीं है, लेकिन मैं तुमको लाइव की फीलिंग देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो यहां पर एक पोस्ट तो बनता है और अगर तुमने देखा है तो जरूर तुम इसको पोस्ट कर मुझे समझा देना कि हाँ सर हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, सो यहां पर ये फॉर दिस वन। ठीक है, एंड फॉर दिस वन। ठीक है, फॉर दिस वन। ठीक है, सो यस गाइस we are actually trying to summarize the content in a very smaller parts. ठीक है, आगे बढ़ते हैं चलिए एक सेकेंड। yes what is happening? हाँ चलिए मैं अभी तुम लोगों को थोड़ा सा इलास्टिसिटी की तरफ लेकर जाता हूं। ठीक है, बट इलास्टिसिटी में व्हाट आर वी गोना सी राइट नाउ? हम लोग इलास्टिसिटी में क्या देखने वाले? हम लोग इलास्टिसिटी में प्राइस इलास्टिसिटी के 5 ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो ये रहे इलास्टिसिटी और इलास्टिसिटी में मैंने क्या कहा? प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, ये रहा प्राइस इलास्टिसिटी। अभी हम लोग थोड़े से प्रो लेवल पर चले गए तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी के डायरेक्टली 5 ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है सर, बिल्कुल आप बोलिए सर, बस आप बोलिए सर, हम लोग ऐसा तैयार है सब कुछ करने के लिए। राइट, आई गेस थोड़ा सा इसको ऊपर देना पड़ेगा, ये उल्टा क्यों हो रहा है? अब ठीक है, तो यहां पर दो ग्राफ हमारे आंखों के सामने आ चुके हैं। चार ग्राफ हमारे आंखों के सामने आ चुके हैं। Right, and the last one over here, it goes something just like this. आप लोग यहां पर ना इसके बारे में बताओगे, ठीक है? मैं नहीं बताने वाला, you are going to try this. So,
here it is, and here it is, and here it is. ठीक है, so यहां पर अभी जो सबसे पहला हम लोगों ने ग्राफ निकाला है, ठीक है, just a second, what happened man? I don't know, एक सेकेंड गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो गया, ये ऐसे अजीब बिहेव क्यों कर रहा है. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, कम ऑन यार. हाँ अब हो गया, आई गेस, हाँ अब सही हो गया. ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला जो ग्राफ है वहां पर क्या होगा, दिस इज परफेक्टली इलास्टिक, यस दिस इज परफेक्टली इलास्टिक. सेकेंड वाला जो ग्राफ है ये क्या होगा, दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, यस दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लैटर कर्व, यस दिस इज व्हाट, दिस इज स्टीपर कर्व, यस. मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी एट ऑल. जब ये परफेक्टली इलास्टिक है मतलब द स्लाइटेस्ट चेंज इन द प्राइस इज गोइंग टू हैव इनफाइनाइट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, उसको हम लोग परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं. और यहां पर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कर्व होता है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर्व यहां पर होता है. और यहां पर बेटा ये वर्टिकल लाइन होती है, यहां पर मेरी क्वांटिटी हो चुकी है फ्रीज, प्राइस में कितना भी बदलाव आने तो यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. तो यहां पर क्या है, ये वर्टिकल स्लोप, वर्टिकल लाइन. ठीक है, यहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी, इंफिनिटी होगी. यहां पर इलास्टिसिटी क्या होगी, जीरो होगा. राइट ये जो फ्लैटर कर्व हो रहा है तो बेटा समझने की कोशिश करना व्हाट इज हैपनिंग. प्राइस में थोड़ा सा ही बदलाव आया लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में जो बदलाव आया वो बहुत ज्यादा बदलाव आया है. जब बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक. क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिवली इलास्टिक. और जब देखो यहां पर प्राइस में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है लेकिन क्वांटिटी में बहुत छोटू सा बदलाव आ रहा है तो यहां पर ना क्वांटिटी होती है, कभी भी याद रखना, एक्स एक्सिस पर. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिवली लेस इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक. तो यहां पर रिलेटिवली इन इलास्टिक. सो यहां पर वैल्यू होगी ग्रेटर देन वन, यहां पर वैल्यू होगी लेस देन वन, और यहां पर क्या होगा, यहां पर सेम टू सेम बदलाव आ रहा है. जितना बदलाव प्राइस में आया है उतना सेम टू सेम बदलाव क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है. तो यहां पर इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक. क्या कहेंगे, यूनिटरी इलास्टिक. हर एक वर्ड जो मैंने यहां पर लिखा है वो हर एक वर्ड आपको एमसीक्यू के लिए आ सकता है, ईच एंड एवरी वर्ड आउट देयर. राइट, सो गाइस आई जस्ट होप दैट आप लोगों को ये एकदम प्राइस इलास्टिसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है. ठीक है,
सो देखना बेटा प्राइस इलास्टिसिटी ओवर हियर इन फ्रंट ऑफ यू एंड ईच एंड एवरी पॉइंट वर्टिकल कर्व परफेक्टली इलास्टिक इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0 इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट देन परफेक्टली इलास्टिक हॉरिजॉन्टल कर्व वर्टिकल कर्व फ्लैटर कर्व स्टीपर कर्व ये सब कुछ तुम्हें यहां पर किस में आ सकता है ये सब कुछ तुम्हें एमसीक्यू में पूछा जा सकता है एंड यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी में पांच टाइप्स हो गए परफेक्टली इलास्टिक रिलेटिवली इनइलास्टिक एंड यूनिटरी इलास्टिक राइट यस और अगर मैं इसको यहां पर लिखूं तो वो कैसे होगा तो देखना बेटा वो कैसे होगा परफेक्टली इलास्टिक Perfectly inelastic, relatively elastic, relatively inelastic. Then we have unitary. इलास्टिक सो अगर मैं परफेक्टली इलास्टिक की बात करूं तो इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करूं तो इलास्टिसिटी इज जीरो रिलेटिवली इलास्टिक की बात करूं तो इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन वन रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात करूं तो इलास्टिसिटी इज लेस देन वन एंड यूनिटरी इलास्टिसिटी की बात करूं तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन समरी मैंने ग्राफ पर भी बनाया मैंने समरी सेपरेटली भी बनाया और जो बनाया वो देखना ना यहां पर किस तरीके से बनाया है हम लोगों ने जब यहां पर परफेक्टली इलास्टिक होता है हॉरिजॉन्टल कर्व ठीक है जब परफेक्टली इन इलास्टिक होता है वर्टिकल कर्व परफेक्ट रिलेटिवली इलास्टिक होता है फ्लैटर कर्व रिलेटिवली इन इलास्टिक होता है स्टीपर कर्व एंड यूनिटरी इलास्टिक जो होता है वो क्या होता है यूनिटरी इलास्टिक कर्व यहां पर कुछ नहीं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला राइट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सो व्हाटएवर वी हैव रिटन अगेन एवरीथिंग फॉर्म्स द पार्ट ऑफ व्हाट एवरीथिंग फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एमसीक्यू राइट सो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर यू कैन अगेन चेक इट आउट ओवर हियर ये देखो यार What an amazing यहां पर mind mapping हो रहा है Can you just imagine the thing that we are doing over here? Right? So this is absolutely amazing. I hope that आप लोगों को पता चल गया है कि तुम्हें क्या करना है देखो बेटा ये तुम्हारे सामने देखो बेटा ये तुम्हारे सामने ठीक है सो वी हैव ट्राइड टू समराइज ईच एंड एवरीथिंग आई होप दैट आप लोगों को समझ में आ गया ऐसे ही अगर तुम करोगे हर एक सब्जेक्ट के लिए सो यू आर गोना स्कोर अमेजिंग मार्क्स आप लोग की पढ़ाई बहुत नेक्स्ट लेवल पर होगी ठीक है ऐसे ही हम लोग करेंगे बहुत सारे चैप्टर्स के लिए बहुत मजा आने वाला है ठीक है आई थिंक दैट दिस इज गुड टू स्टॉप हियर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू इट लेटर ऑन इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ आवर माइंड मैपिंग ओवर हियर अभी हम लोग क्या करेंगे जाने से पहले मैं फटाफट से आप लोग को बता देता हूं बेटा अगर किसी को भी अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा तो आप लोग जा सकते हो अनअकैडमी की वेबसाइट पर स्टार्ट लर्निंग पर आपको करना होगा क्लिक जैसे आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करते हो आपको करना होगा सीए पर क्लिक सीए पर क्लिक करने के बाद सीए फाउंडेशन पर क्लिक करना और सीए फाउंडेशन जब आपने आपका गोल डिसाइड कर लिया है तो आपको यहां पर ऑप्शन दिखेगा गेट सब्सक्रिप्शन का यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही आप लोग करते हो क्लिक तो आप लोग को नजर आएंगे दो ऑप्शंस एक होगा प्लस और दूसरा होगा आइकॉनिक प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स पढ़ाते हैं इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती है स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस और आइकॉनिक में आप लोगों को पर्सनल कोच प्रिंटेड बुक्स इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज डिस्कशन चैनल ये सारी चीजें मिलती है एक्स्ट्रा अपार्ट फ्रॉम द प्लस सो वंस यू क्लिक ऑन द प्लस यू विल गेट ऑल दिस डिटेल्स यू कैन अप्लाई दिस कोड DAGA10 ओवर हियर जैसे ही आप लोग अप्लाई करते हो तुम्हें मिलेगा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आउट है राइट लेकिन मुझे ऐसे लगता है सिर्फ सीए फाउंडेशन का क्यों लेना है मतलब अगर मैं रहूंगा तो मैं डेफिनेटली आपको ये बोलूंगा कि बेटा आप लोगों ने यहां पर अपग्रेड करना चाहिए यू कैन जस्ट
एड ओवर योर इंटरमीडिएट एज वेल। जैसे ही आप लोग इंटरमीडिएट को एड कर रहे हो, यहां पर देखो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 28,800 में आप लोग को ये कोड लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 28,800 में मिल रहा है फाउंडेशन भी और इंटरमीडिएट भी। लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे 24 मंथ्स का नहीं लेना है, तो आप लोग 12 मंथ्स का ले सकते हो। ये 12 मंथ्स पे जाओ, यहाँ पर प्रोसीड टू पे करो, यहाँ पर ऐड कर दो और 22,500 में डागा 10 इस कोड को लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये निकाल देते हो तो देखो ये प्राइस इंक्रीज हो जाती है। अगर तुम यहाँ पर डागा 10 फिर से लगा देते हो तो देखो यहाँ पर प्राइस रिड्यूस हो रही है, राइट। So guys, you can also go for the iconic subscription out there. Iconic subscription में भी combo ले सकते हैं, of course. देखो 24 months का subscription combo अगर लेना है तो combo iconic में देखो बेटा add कर दो ये चीज और देखो 59,400 में आप लोगों को मिल रहा है। This is absolutely amazing, right? So guys, you can just think about it and just get started with your plus classes. Thank you so much, Tata Bye Bye, take care. See you soon in the next class.